हेलो एवरीवन, ईमेल डिसएडवांटेज का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम पॉइंट नंबर से देखेंगे प्रेशर टू रिप्लाई। देखिए होता क्या है कि अगर किसी ने एक बार मैसेज सेंड कर दिया है, ईमेल सेंड कर दिया है, तो आपके दिमाग में उसका रिप्लाई देने का ज़रूर प्रेशर रहता है। अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसके पास एक कहने को हो जाएगा कि मैंने आपको ईमेल दिया था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया अभी तक। तो एक माइंड में प्रेशर सा बना रहता है कि हमको उस ईमेल का रिप्लाई देना ही है, ठीक है। 7 नंबर देखिए, स्पैम। स्पैम का मतलब होता है फालतू के मैसेज आना, ठीक है। आजकल आपकी ईमेल में बहुत सारी कंपनियों के, जो आप जानते भी नहीं हैं, बल्क मैसेज आ जाते हैं, एक एक साथ कई सारे मैसेज आ जाते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक होते हैं अगर हम गलती से इनको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। गलती से अगर हम इनको ओपन कर लेते हैं तो होता क्या है कि अगर आपने ओपन कर लिया गलती से तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हैक हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए 8 नंबर है, सक्स अप योर टाइम। सक्स अप योर टाइम का मतलब क्या है कि अगर मैसेज जो है बहुत ही इस तरह से मैसेज आते हैं जिनको आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से मैसेज काम के हैं कौन से नहीं हैं, आप उसको काट छाँट कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं मैसेज में, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपका बहुत टाइम ख़राब होगा, बहुत टाइम ख़राब होगा, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे टाइम बहुत ख़राब होता है। टू लॉन्ग, नाइन्थ वन इज़ टू लॉन्ग। मैसेज जो है अगर बहुत बड़े हैं सॉरी मैसेज अगर बहुत बड़े हैं तो उनको रीड करने में भी प्रॉब्लम आती है, है ना। अगर आपका मैसेज छोटा है, नीट एंड क्लीन है, क्या कहना चाहता है कोई कैंडिडेट, तो जल्दी से पढ़ने में आ जाता है। लेकिन अगर मैसेज बहुत लंबा जा रहा है, 2-3 पेज का है, तो उसके मेन पॉइंट्स को पकड़ना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। 10th नंबर देखिए, वायरसेस। वायरसेस का मतलब क्या है कि एक ईमेल के जब हम एक्सचेंज करते हैं, ईमेल के थ्रू जब हम बातचीत करते हैं, तो हम ईमेल का भी यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हुए, तो इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो कई सारे वायरस आने के चांसेस होते हैं। तो ईमेल वायरस भी बहुत सारे होते हैं। ईमेल वायरस के बारे में हम आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि ईमेल वायरस कौन कौन से होते हैं, ट्रोजन हॉर्स आना है, स्पाईवेयर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। आगे के डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।